नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी मधेश सरकारक गौरवशाली योजना के रूप में मानल गेल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अपन पहिल वार्षिक उत्सव मनाने संबंधी प्रसंग से मधेश प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा मात्र निभ चिकित्सा शिक्षा के आधार निर्माण करे के काज समेत केने कहित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रशंसा कलक। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रथम वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत अपन एक वर्ष के छोट यात्रा में COVID-19 के इलाज, गंभीर प्रकृति के रोग सबके पहचान, इलाज आ परामर्श तथा चार विषय में अध्यापन के शुरुआत कर सकनाई प्रतिष्ठान के सफलता रहल कहित उपकुलपति डॉक्टर राम केवल साह के बधाई ज्ञापन करने। विजय सिंह जी ने राम सुझाव दिनु सुझाव राम रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का उपकुलपति जी लगाए संबंधित पदाधिकारी इसलिए सकारात्मक रूप से लिख होने से विश्वास तथापि मैं यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुन अवस्था में हमी सुरू करेगा थे अहिले कहाँ पुर्याएका छौं इसको पृष्ठभूमि बुझ्न जरूरी छ। हामी यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिबाट मधेश प्रदेश के मेडिकल प्राविधिक शिक्षा के हब बनेबाक अभियान के पहल सीढ़ी के रूप में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाड़ी बढ़ रहा हुनक तर्क छलन। असामान्य परिस्थिति के बावजूद समेत कोरोना कहर के बीच कोरोना विशेष अस्पताल के संचालन कर सकनाई प्रमुख काम रहा हुनक तर्क छलन। मन्त्रीजी, मंच में उपस्थित विशिष्ट महानुभावर यहाँ आएगा संपूर्ण मान्यजी लगाए विषम परिस्थिति में शुरू भेल प्रतिष्ठान एक वर्ष भित्रे चारटा विषय में स्नातक तह के अध्ययन अध्यापन शुरू करे के साथे विशेष कोविड अस्पताल के संचालन आ विशिष्टकृत सेवा संचालन काज सकारात्मक असफलता रहल हुनक तर्क छलन। प्रतिष्ठान के पदाधिकारी तथा चिकित्सक सबके प्रयास के सराहना करते मुख्यमंत्री राउत आगामी दिन में प्रतिष्ठान के उद्देश्य प्राप्ति के दिशा में अगाड़ी बढ़ावा आवश्यक संपूर्ण सहयोग कर प्रदेश सरकार तैयार रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलन। प्रदेश सरकार प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा के हब बनेबाक अभियान अंतर्गत सप्तरी के राजविराज में कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना भेल आ वीरगंज में विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना के तैयारी अंतिम चरण में रहल उ जिक्र कयने छलन। कार्यक्रम में जानकार सब प्रतिष्ठान करय पड़य वाला सुधार आ बाकी काम सब के विषय में स्पष्ट कयने छलन। हरेक देश को लागि विश्वभर नै सेकेंड लीडिंग कॉज अफ डेथ में अहिले क्यान्सर आइरहेको र नेपालमा यो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉज अफ डेथ क्यान्सर ले गर्छौं। मधेश सरकारले ठूलो अटकुट लिएको छ कि यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान को स्थापना होस्। हमारा नीट को हिसाब से हमारा उपयोगिता को हिसाब से विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति को लगी जो जनसाधारण को लगी महत्वपूर्ण जो अगाड़ी को विकास को लगी महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य क्षेत्र को लगी महत्वपूर्ण। कार्यक्रम में प्रतिष्ठानक सहकुलपति एवं सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह स्वास्थ्य उपचार अध्यापन आ कोरोना जेहन महामारी में समेत प्रदेश के जनता के सहारा के रूप में स्थापित प्रतिष्ठान अहिना के प्रगति करित रहोक से शुभकामना व्यक्त कयने छलन। आज मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक वर्ष पूरा कर सकेको छ र वास्तवमा चाहना जति थियो त्यो अनुकूलमा त्यो प्रतिष्ठानक कुलपति डॉक्टर
प्रतिष्ठानक उपकुलपति डाक्टर राम केवल शाह शुरुआती एक वर्षक कार्यकाल में स्वयं सब जतेक सकली काज केने बतबैत प्रतिष्ठान के सकारात्मक रूप में लक सब क्यों के सहयोग प्राप्त भेल तो प्रतिष्ठान गौरव के आयोजना के रूप में स्थापित होबाक धारणा रखलन। महान्याधिवक्ता श्री दीपेन्द्र झा जी, माननीय उपेन्द्र शाह जी, मुख्य सचिव जी, यहाँ पालन भएका हमारा सिनेट का प्रतिनिधि सदस्य हमारे वीरगंजबाट पालन भएका डाक्टर प्रमोद सर्राफ जी, हमारा अनदर सिनेट जुन यो क्षेत्र में रिप्रेजेंट गर्नुहुने माननीय ज्ञानेन्द्रजी यादव जी, मुख्यमंत्री राउत स्वयं कुलपति समेत रहल मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एखन संचालन में रहल स्थान से अन्यत्र कतौ नहीं घुसकबाक बतौलने गुठी माथत रहल जगह एखन मणिपाल लीज में लेने रहितो जगह प्राप्ति के प्रक्रिया प्रदेश सरकार शुरू कर चुकल कहितो प्रतिष्ठान अन्यत्र कतौ घुसक के संभावना नहीं रहल बतौलन। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद कुमार शाह, प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, सुनीता कुमारी शाह, चमेली देवी दास लगातक सबके उपस्थिति छलन। सत्तारूढ़ गठबंधन के बैसार सम्पन्न भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास पालुआटार में बैसल बैसार में दू घंटा MCC के विषय में व्यापक छलफल भेल अछि। MCC के विषय में निर्णायक छलफल के रूप में देखल जा रहल ओहि बैसार के बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेल हमरा सबके समाचार प्राप्त भेल अछि। काल्हिखन फेर से 9 बजे बैसल जोकर अजुका बैसार सम्पन्न भेल। माओवादी केन्द्रक नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। बैसार में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, महामंत्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, कानून मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू बैसार में सहभागी छलन। बैसार में सहभागी संपूर्ण दलक शीर्ष नेता सब अपन अपन अड़ान में यथावत देखल गेल छलन। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा कोनो हालत में संसद में MCC पेश करबाक अड़ान दोहरौलन अछि। तेना माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, प्रचंड नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ झलनाथ खनाल सहितक नेता सबके सहभागिता छलन। जनता समाजवादी पार्टी से संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई आ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी छलन। उसका बैसार में सत्ता घटक राष्ट्रीय जनमोर्चा के प्रतिनिधित्व नहीं देखल गेल छल। जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर धाम में छथि। बैसार में कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पोडेल आ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपत्यका बाहर रहला से बैसार में अनुपस्थित भेल बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा MCC परियोजना के पारित कराब स्वयं लागि पड़ल धारणा रखलने अछि। बृहस्पति नेपाली कांग्रेसक नेता तथा पूर्व मंत्री अर्जुन नरसिंह केसी द्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेस के संक्षिप्त इतिहास, सिद्धांत तथा नीति के परिचय सहितक लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा स्वयं MCC परियोजना के संसद से पारित कराब लागि पड़ल धारणा रखने छलनि। ओ MCC पारित करेबाक कांग्रेस के सर्वसम्मत निर्णय अनुरूप स्वयं लाइक पड़ल धारणा रखने अछि। प्रधानमंत्री देउवा MCC परियोजना संसद से पास वा फेल कुछ होब सकबाक धारणा रखलने अछि। ओ MCC राष्ट्र के हित में रहल दावी कयलनि। हाम्रो एउटै लाग्नु छ के छ भन्दाखेरिलाई पार्टीको प्रसार हामीले कम गरेका छौँ, हामीले गरेका कामहरूको प्रसार कम गरेका छौँ। प्रसार जसोलाई जान्छ भने हामीलाई त्यो सियासा व्यक्ति त्यो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पार्टीले गर्यो भने हुन्छ, नाम किन भन्नु पऱ्यो? पार्टीले गर्यो भनेर देश पनि भन्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ पार्टीको प्रचार पुगेको छैन, पार्टी गरेर यहाँ राम्रो कुराहरू पुगे पनि छैन। प्रधानमन्त्री देउवा कङ्ग्रेसक नेता कार्यकर्ता पार्टीके प्रचार कम गरल बताउने छलन्। पार्टी निक निक काम कर रहल रहितो एकरा जै अनुसार स अगाडि बढाबके चाहिँ ईर्ष्याके कारण पार्टीके प्रचारमे नेता कार्यकर्ता सब नहीं लागि रहल हुना कहब छलन। प्रधानमंत्री देउवा पार्टी के ने निक काम सब के प्रचार प्रसार पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब के कर निर्देशन देलन। धेरै ठुलो गरेका छन्, जहिले पनि हाम्रो खिलाफमा वार्ता बनाएका छन्। त्यसै कारण चाहिँ यो यसलाई चिन्नु पर्दछ र कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई डराउनु पनि हुँदैन। पार्टीले पिपीओलाई डराउनु भएन कहिले पनि, फाँसीको सजाय खानु तपाईँहरू आएको हुने पार्टी पैसा खानु त्यहाँ चाहिँ बोल्नु कहिले डराएन। अरू कहिलेकाहीँ के भने अब इन्डियाकै खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन, उहाँ चाहिँ अरूको खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन। त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो, भोलि कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, त्यो डराएर कहीँ हुन्छ? त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु, कङ्ग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी चल्छ?
प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्र हितके पक्षमे बाजा नेपाली कंग्रेस पार्टी नै डेरेबाग चाहे बताउने छलन कार्यक्रममे बजेट नेपाली कंग्रेसके महामन्त्री गगन कुमार थापा आगामी चुनावमे कंग्रेस अपन पार्टीके परिचय कायम राखे पर बाग बतौलन नेपालके अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राखके लेल कंग्रेस अपन भूमिका निर्वाह गरे पर बाग हुनक कहब छलन कांग्रेस फेल भए पनि आजको दिनमा नेपाली कंग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय कायम राख्नुपर्छ नेपालको राष्ट्रहितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग भएन आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयहरूका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा बाहिर बस्दा एउटा बिहान एउटा बेलुका एउटा बालवाटारमा एउटा खुमलटारमा अर्को बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कङ्ग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ महामन्त्री थापा नेपाली कङ्ग्रेस कोनो समेत विषयमै सरकारमै बैसलापर एकटा आ प्रतिपक्षमै बैसलापर दोसर धारणा बनेबाक नै किने दावी कयने छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनके बचाव जोड दऽ रहल धारणा रखलेने छ बृहस्पति दिन सत्तारूढ गठबन्धनके विचार आगू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीके अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपाक नेता तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँगकै भेटघाट गरेत ओ सब स्वयंसभ गठबन्धनके बचाव जोड दऽ रहल धारणा रखने छलन सिंहदरबारस्थित नेकपा माओवादी केन्द्रक संसदीय दलके कार्यालयमे भेल छलफलमे एमसिसीके विषयमे निर्णायक बैसारके तैयारीके विषयमे छलफल भेल हुनक कहब छलन ओ बैसारमे एमसिसीके केना कऽ निकास देल जेबाक एहि बातमे विशेष छलफल भेल समेत धारणा रखने छलन तैयारीको बारेमा छलफल होइन हामी तीन दललाई एकमत बनाउने भए त्यसरी लागेकै छैन पाँचै दललाई कसरी बचाउने र यो एमसिसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा अब यो आज पाँच दलको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निचोड एउटा निकास निकाल्नेतिरै छ हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा छ अध्यक्ष दाहाल साँझमे बैसवाला सत्तारूढ गठबन्धनके विचारमे एमसिसीके विषयमे निकास निकलबाक विश्वास व्यक्त कयने छलनि मुदा विचारसँ कोनो ठोस निष्कर्ष निकालल नै गेल बताओल गेल अछि नेपाली कङ्ग्रेस अधिवेशन होब बाँकी 16 जिल्लाके अधिवेशन फागुन 15 गते करत तय कयलक अछि कङ्ग्रेसके केन्द्रीय निर्वाचन समिति एहिसँ आगू फागुन 13 गते निर्धारण कयने अधिवेशन दू दिन पाछू घुस्काओल गेल सचिव केशव रिजाल जानकारी देलनि कङ्ग्रेसके सप्तरी सिराहा धनसा महतरी सरलाही रोधट बारा पर्सा सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक चितवन मकवानपुर नवलपुर बाँके अछाम आ कैलाली जिल्लामे अधिवेशन होब बाँकी अछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीक भातृ संगठन अनेरा सोभ्यू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितक नेता सब ऊपर कार्रवाईके माग करैत अख्तियारमे उजुरी देलक अछि बृहस्पति दिन अख्तियारके केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पहुँच कऽ अनेरा सोभ्यू सरकारमे रहल समय केपी शर्मा ओली सहित तत्कालीन मन्त्री सब भ्रष्टाचारमे संलग्न रहल दावी करैत निष्पक्ष छानबीनके माग कयलक अछि उजुरीमे झापा स्थित गिरिबन्ध टी स्टेटके नाममे रहल हदबन्दी सब बेसीके जगह राष्ट्रियकरण करऽ पड़बाकमे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अरबो मोल पड़यवला जग्गा सट्टा पट्टा करऽ पाब जोकर एन संशोधन कराब सहयोग कऽ कऽ नीतिगत भ्रष्टाचारके ने उल्लेख कयल गेल अछि निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचनमे भाग लेबऽ चाहवला राजनीतिक दल सबके दलदरताक लेल सूचना जारी कयलक अछि निर्वाचन आयोगमे दर्ता कायम रहल राजनीतिक दल सबके आगामी 2069 बैशाख 30 गते होवला स्थानीय तहके चुनावमे भाग लेबऽ चाहल गेलमे फागुन 15 गते भीतर दल दर्ता करऽ सूचना जारी कयने अछि बृहस्पति दिन आयोग पत्रकार सम्मेलन करैत ई बातके जानकारी देलक अछि पत्रकार सम्मेलनमे बजट आयोगके प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल 15 गते धरि निर्वाचन प्रयोजनके लेल दल दर्ता कऽ लेबऽ पड़बाक धारणा रखलनि राजनीतिक दल समूह बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ 3 मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट पेपरको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषदसँग परामर्श गरी तथा अन्य सेवाका राजपत्रित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मिति 78/11/15 आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कानुन
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। पाँच, कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न नेपाल प्रशासन सेवाका राजका समय आयोगमै जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीके दल दर्ता भेल। आयोगमै एखन धेर दल दर्ता भेल। दल सबके संख्या 106 पहुँचल जानकारी देल गेल छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमके लेल निर्वाचन केन्द्रित गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश, लघुकथा आदि लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन करबाक सूचना प्रकाशन भऽ चुकल। उत्कृष्ट रचनाके नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रके समेत व्यवस्था कयल गेल, आयोग जनौलक अछि। तहिना फागुन 6-7-8 गते मनाव लागल समेत जनाओल गेल अछि। एहि वर्षके निर्वाचन दिवस सबहे सैदखन आ सङ्गे नाराके साथ विभिन्न कार्यक्रमके फागुन 6-7-8 गते मनाव लागल समेत निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। सामाजिक एकता पार्टी नामक दल निर्वाचन आयोगमे दर्ता भेल अछि। सीवी घतराजके अध्यक्षतामे गठन कयल गेल पार्टीके बृहस्पति निर्वाचन आयोग दल दर्ताके प्रमाण पत्र औपचारिक रूपमे प्रदान कयलक अछि। या फागुन 3 गते बैसल निर्वाचन आयोगके बैसारसँ दल दर्ताके प्रमाण पत्र देबाक निर्णय कयने छल। धर्मनिरपेक्षताके पक्षधरके रूपमे खार भेल, संविधानके रक्षा करबाक आ देशमे विद्यमान सब किसिमके सामाजिक विभेद सबके अन्त कऽ कऽ देशके समृद्ध बनाबऽ लागल लाइक पड़बाक मुख्य उद्देश्यके साथ निर्वाचन आयोगमे पार्टी दर्ता कयल गेल, अध्यक्ष गहतराज बतौलनि। पहरेदारी रूपमा चाहिँ हामी खडा हुने र यो समाजमा रहेका सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त गर्ने जुन मुख्य उद्देश्य लिएर हामी यो सामाजिक एकता पार्टी दर्ता भएको छ र यसमा हामी धेरै सबै पक्षका चाहिँ पदाधिकारीहरू हामीले पदाधिकारीहरूको यहाँ उपस्थितिमा हामीले यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौँ। अध्यक्ष गहतराज, पार्टी प्रारम्भमै वार्ड तहसँग होबवला धार्मिक विभेद अन्त करबाक अभियानके सञ्चालन करबाक बतौलकै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयके प्राध्यापक सब नेवी सङ्घके तालाबन्दीके विरोध करैत प्रदर्शन कयलक अछि। विश्वविद्यालयके प्राध्यापक सब त्रिभुवन विश्वविद्यालयके उपकुलपतिके कार्यकक्षमे ताला लगाओल गेल, 200 दिन बीत चुकल कहैत तालाबन्दी हटाबऽ माग करैत विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ओसब विश्वविद्यालयके रजिस्ट्रार कार्यालय आगू 15 मिनट शान्तिपूर्ण धरना देने छलनि। प्राध्यापक सब विभिन्न विद्यार्थी संगठन सब अपन अपन स्वार्थके लेल तालाबन्दी करैत जाय लागल अछि। तब विश्वविद्यालयके समस्या कहियो समाधान एनामे होबे नहि सकबाक ओसब बतबै छथि। ओसब विश्वविद्यालयके प्राज्ञिक स्थल बनाबऽ पड़बाक धारणा रखलेने छ। बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर, निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैन। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक स्थल बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन् र कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नमा जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ र यति सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेभीसँग विगत लम्बा समय तथा एम्हर शैक्षिक क्षेत्रमे सुधार गर्न प्रभाग माग करैत तालाबन्दी करैत आयल अछि। भन्ने हिसाबले मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका थुप्रै विषयहरू चाहिँ अहिले ज्वलन्त छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि पहिला चाहिँ आफ्नो इन्स्टिट्युसनको बारेमा बोल्नु। 24 घन्टामै कोरोना संक्रमणका कारण 6 गोटेको मृत्यु भएल अछि। नेपालमा एखन धेर मृतकको संख्या 11,911 पहुँचल अछि। नेपालमा पछिल्का 24 घन्टामै 570 गोटेमै संक्रमण पुष्टि भएल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,028 गोटेको PCR परीक्षण केलापर 364 आ 2761 एन्टिजेन परीक्षण केलापर 206 गोटेमै संक्रमण पुष्टि भएल अछि। तेनाका पछिल्का 24 घन्टामै नेपालमा 1,933 गोटे संक्रमणसँ मुक्त भऽ गेल छथि। नेपालमा एखन 16,616 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 946,330 गोटे नीक भऽ गेल अछि। मध्य प्रदेशमे पछिल्ला 24 घन्टामै 2 गोटे संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्कके अनुसार धनुषामे 1 आ महोत्तरीमे 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि सङ्गे मधेसमे कोरोनाक कुल संक्रमितके संख्या 41,354 पहुँचल अछि। मधेसमे कोरोनाके संक्रमणसँ मृत्यु होबयवलाके संख्या 1,061 पहुँचल अछि। तहिना 39,329 गोटे संक्रमणसँ मुक्त भऽ गेल अछि। अतः एखन 964 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। बालाजुमे बसके ठक्करसँ 2 गोटे पैदल यात्रीके मृत्यु भेल अछि। बालाजुके गंगा हल आगूके सड़कमे भोरमे 6 बजे बसके ठक्करसँ 1 पुरुष आ 1 महिलाके मृत्यु भेल अछि। मृतक मध्ये रसुआके 18 वर्षीय विकास तामाङके परिचय खुजल अछि। दोसर अन्दाजी 50-55 वर्षीय महिलाके शनाखत होबय बाँकी रहल, पुलिस जनौलक अछि।
हुनका सबके त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। हुनका सबके ठक्कर द क बस सहित चालक फरार वेला खोजी भ रहल पुलिस जनबैत अछि। सरकार 2300 विद्यालय समय एक साथ ICT लैब स्थापना करत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल सार्वजनिक विद्यालय के शैक्षिक सुधार के लेल 2300 विद्यालय में ICT लैब तत्काल बनेबाक निर्णय कयल गेल जानकारी दिलन। शिक्षा पत्रकार समूह बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजन कयने एकटा कार्यक्रम में बजे तो 3 वर्ष भीतर देशभर के सब विद्यालय सब में उ लैब स्थापना करवाक सरकार की योजना रहल स्पष्ट कयलन। मंत्री पौडेल सार्वजनिक विद्यालय सबके भौतिक पूर्वाधार में कोनो समस्या नहीं होय वे में सरकार सचेत रहल बतौलन। ओ सार्वजनिक विद्यालय सबके शैक्षिक सुधार के लिए संबंधित सब निकाय के सचेत भ के काम करय समेत निर्देशन देने छलन। यसै विद्यालयहरूलाई ICT ल्याबको निर्णय गरेका छौँ। प्रक्रिया छिटी अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः 3 वर्ष भित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसको साथसाथै यतापट्टि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि 14 जिल्लामा का माविहरू धेरैजसो आवश्यक चाहिँ कोठा सङ्ख्या नपुगे पनि बनेका छन्। अरूमा चाहिँ थप्दै जाने, बनेकालाई ICT दिने, नबनेकालाई चाहिँ थप्दै जाने। र चाहिँ 77 जिल्लाको स्कुलको अवस्था के हो, कुन स्कुलमा टिन चुहेको छ, कुन स्कुलको पर्खाल आवश्यक हो, कुन स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ, र त्यो पुरै टोटल चाहिँ स्कुलको नक्साङ्कन गरेर हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदै जाने। र हामी चाहिँ खास गरी त्यो हामीसित आँकडा भइसकेपछि त्यसका आधारमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यो मैले तपाईँहरूलाई संक्षिप्त यहाँ किन राख्नु। मन्त्री पौडेल सार्वजनिक विद्यालय सबके शैक्षिक गुणस्तर खस्क नै देव जेका 18,000 शिक्षक सबके नयाँ दरबन्दीके व्यवस्था गर परल बतौलन। सरकार राष्ट्रिय HIV रणनीति योजना 2021-26 सार्वजनिक कयलक अछि। बृहस्पति दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में एकटा कार्यक्रम के बीच नेपालमे सन 2030 धरिमे HIV अंत करबाक जका राष्ट्रीय HIV रणनीतिक योजना 2021-2026 मंत्रालय सार्वजनिक कयलक अछि। रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रम में बजे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव देवी कुमारी गुड़ागाई सन 2030 धरि में नेपाल से HIV अंत करबाक लक्ष्य लक 2021-2026 रणनीतिक योजना लौने बतौलने। ओ रणनीतिक योजना से HIV संबंधी सेवा में समावेशी समतामूलक तथा पहुँच योग्य बनाव सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कलन। राष्ट्रीय HIV रणनीतिक योजना 2021-2026 सार्वजनिक संगे आयुषक कार्यान्वयन में समेत आयल ओ बतौलने। सार्वजनिक साथसाथै आजबाट यो कार्यान्वयन गएको छ र हामीले एउटा चुनौती पनि थपिएको छ। जुन रूपमा दस्तावेज बनेको छ त्यही अनुसार हामीले राखेका जुन कार्ययोजना अनुसारका कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सचिव गुरागाई रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न दात्री निकायको समेत निरन्तर सहयोग आवश्यकता रहल बताउने छलैन। ओ रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको बाद मुख्य नयाँ HIV संक्रमण रोकथाम गर्नवाला संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार लावला HIV संक्रमण न्यूनीकरण के लक्ष्य लैबाक लक्ष्य रखने धारणा रख लेने। नेपाली कांग्रेस के संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक सार्वजनिक भेल। बृहस्पति दिन काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री अर्जुन नरसिंह केसी द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन कलन। पुस्तक में नेपाली कांग्रेस के इतिहास आ 2007 साल में राणा विरोधी आंदोलन के सफलता दिया व सहयोग किने व्यक्ति सबके चर्चा परिचर्चा कयल गेल। लेखक केसी पुस्तक भीतर स्वयं 26-27 वर्षभर स्वदेश तथा विदेश में नेपाली कांग्रेस के विषय में उठाओल गेल खुलुली के समेटक के प्रयत्न कने समेत जानकारी देने छलन। पुस्तक में कांग्रेस के महाधिवेशन महासमिति बैठक नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल महिला संघ मजदूर संगठन आदि भातृ संस्था स्थापना के युग प्रवर्तक के पक्ष के समेत समेटल गेल। पुस्तक के अंतिम खंड में 2003-2078 धर के कांग्रेस के ऐतिहासिक गतिविधि आ घटना सब के तिथि मिथि सहित उल्लेख कयल गेल। पार्टी के महत्वपूर्ण नेता सब के निधन के समेत उल्लेख कयल गेल। साझा प्रकाशन व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्द के प्रकाशन कयलक। साझा प्रकाशन नेपाली भाषा में प्रयोग भेल संस्कृत शब्द के व्युत्पत्ति सहितक शब्द सब संग्रहित शब्दकोश प्रकाशन कयलक। कोषकार प्राध्यापक नीलमणि ढुंगाना नेपाली भाषा में प्रयोग कयल गेल संस्कृत के शब्द सब के निर्माण केना के भेल ओहि विषय में कोष में उल्लेख कयल गेल जानकारी देलने। पूर्व सचिव एवं संस्कृत वांग्मय के ज्ञाता कृष्ण गेवाली तत्सम शब्द सब के निर्माण प्रक्रिया के विषय में शब्दकोश में विस्तृत उल्लेख कयल गेल विश्लेषण कयने छलनि। पूर्व सचिव गेवाली नेपाली भाषा बाहेक समेत
किराती लिम्बू मगर गुरुङ तमाङ भाषा सबमे संस्कृत शब्द सब प्रयोगमे लाल गेलास उ शब्द सबके समेत समावेश कक आगामी संस्करणमे प्रकाशन कर सुझाव सहित समीक्षा कयने छलनि। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन नेपाल एलसी मार्जिन में ब्याज प्रदान कर तथा कर्जा के ब्याज घटाव नेपाल राष्ट्र बैंक के आग्रह कलक सवारी साधन लगायत ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सब के आयात के लिए एलसी खोलला पर न्यूनतम मार्जिन के सीमा 5% से वृद्धि कक 50-100% धर कायम कल गया। उक्त व्यवस्था से सवारी साधन लगायत स्पेयर पार्ट्स के सहज आपूर्ति व्यवस्था में समस्या होब के साथे वही से सवारी साधन तथा स्पेयर पार्ट्स के मोल समेत बढ़ जाकर उपभोक्ता सबके समेत असर पड़ रहा कहित ओ सब पहिलका अवस्था में कायम कर नाड़ा माँ कलक। नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डॉक्टर गुणकार भट्ट राष्ट्र बैंक से बैंक सब के ब्याज दर बढ़ावा कोनो निर्देशन नहीं दिल गया प्रश्न कलने से बृहस्पति दिन संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते प्रवक्ता भट्ट पछिलका समय कर्जा तथा निक्षेप के ब्याज दर बढ़ावा के लिए निर्देशन नहीं देने बतौलन। वो तरलता व्यवस्थापन करे के लिए वित्तीय साधन व्यवस्थापन कर स्वयं अनुकूल बैंक सब ब्याज दर निर्धारण के कर दावी कने छलन। राष्ट्र बैंक सब बैंक सब के ब्याज निर्धारण करे के लिए स्वतंत्र छोड़ल गेल प्रवक्ता भट्ट जानकारी देने छलन। ब्याज दर को संबंध में नेपाल राष्ट्र बैंक ले पछिल्लो समय पनि निर्देशन दिएको छैन। बजार ले तरलता व्यवस्थापन का लागि वित्तीय साधन व्यवस्थापन का लागि आफू अनुकूल ब्याज दर निर्धारण गर्ने हो। नेपालमा ब्याज दर निर्धारण बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिएको विषय हो। त्यसैले आवश्यक पर्दा वो विस्तार भेल कर्जामे अधिकांश हिस्सा आयातमे उपयोगी भेलासँ बजारमे तरलता बढ़ित गेल बताउने छलनि डाक्टर भट्ट। राष्ट्र बैंकसँ तरलता व्यवस्थापनके सहजीकरण समेत कऽ रहल धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।